गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास फिफ्थ का चैप्टर 60 आवर प्राइड, जिसके मैंने पहले प्री लेक्चर के अंदर कौन से दो टॉपिक्स क्लियर किए थे, कौन कौन से, एक तो विक्रम साराभाई का और एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का, जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उनके क्वेश्चन भी मैंने आपको सेंड किए थे। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा ने और उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मेरा जो चैप्टर था वो है आवर प्राइड, और इसका जो टॉपिक है वो है आज जीजाबाई। जीजाबाई कौन है? जीजाबाई मदर ऑफ शिवाजी महाराज। जीजाबाई हमारे शिवाजी की मदर है, जो कि शिवाजी कौन मेवाड़ के शासक हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और इलाइटेड, यानी बहुत ही प्रकाशित हुआ वो उनका नेचर था, और बहुत ही इंटेलिजेंट थी शिवाजी की माताजी, जो कि जीजाबाई थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और धन को बहुत मानती थी। जब शिवाजी क्या थे, जब शिवाजी होने वाले थे आफ्टर उनके बॉर्न से पहले, जब शिवाजी की माता जी फोर्ट में रहती थी, कन्नौज की फोर्ट में रहती थी, जो कि क्या था, जिस महल में रहती थी वहां पर तुलजा भवानी माता जी का मंदिर है, उसमें वो पूजा करती थी, और शिवाजी को स्टोरी सुनाती थी। कौन कौन सी स्टोरी सुनाती थी? रामायण की, रामायण की, महाभारत की, इनकी स्टोरियां सुनाती थी। इससे क्या होता था, उनके जो शिवाजी थे उनमें बहुत अच्छे, महाभारत की, रामायण और महाभारत की स्टोरी सुनाने से उनके विचार जो थे उसके लायक बन जाते थे। अब जो उन्होंने विक्ट्री हासिल करी थी, शिवाजी जब बड़े हुए तब उन्होंने एक विक्ट्री हासिल करी, विक्ट्री किस पर करी थी, मेवाड़ के महल पर, मेवाड़ के महल पर उन्होंने एक विक्ट्री, एक जीत हासिल करी, जब उन्होंने उस राज्य को बनाया, उस मेवाड़ पर जीत हासिल करके उन्होंने उसका जो किला था, फोर्ट था, मेवाड़ के किले को अपना बना लिया और उस पे अपना ध्वज फहराया, ध्वज यानी झंडा, फ्लैग फहराया उसको। वो बहुत ब्रेव थे, इसीलिए उनको क्या किया गया था, बहुत बहादुर माना जाता था। उनके जो जितने भी मंत्री वगैरह थे वो उनको अच्छा मानते थे। अब मैंने आपको शिवाजी का टॉपिक बताया है, शिवाजी की माता जी के बारे में बताया है कि वो कितनी इंटेलिजेंट थी, वो उनसे इंस्पिरेशन लेते थे। शिवाजी को इंस्पिरेशन किससे मिलते थे? अपनी माता जी से मिलते थे, जो कि जीजाबाई थी। अब मेरा जो सेकंड टॉपिक है वो है आज मालविया जी। मालविया जी के बारे में मैं बताऊंगी आपको, मदर मोहन मालविया, ये भी अवर प्राइड का नेक्स्ट टॉपिक है। इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगी, दो टॉपिक मैंने वो क्लियर किए थे, दो आज करूंगी। मदन मोहन मालवीय जी ने पहले बी आर अम्बेडकर का लू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अनटचेबिलिटी के लिए, छुआछूत का जो उन्होंने विरोध किया था ना, उसके लिए जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अनटचेबिलिटी से बहुत परेशान थे, जब वो छोटे थे, जब इन्हें चाइल्डहुड बचपन के अंदर जब उनको पढ़ने का मन किया, एजुकेशन लेने की उनकी इच्छा हुई, तो वो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, स्कूल गए। स्कूल में उनको क्या किया गया, अलग से सिटिंग दी गई, अलग से बैठाया गया, उनको बोला गया कि तुम अछूत हो तो एक बोरी दे दी जाती थी, उस पर उनको अलग से बिठाया जाता था। इस चीज से उनको बहुत फील होता था कि सब बच्चे अंदर बैठ के पढ़ते हैं और मुझे वो लोग क्या करते, क्लास से बाहर बिठा देते हैं, तो मैं क्यों क्लास से बाहर बैठूं। जब उनकी एजुकेशन, उन्होंने उसका बहुत विरोध किया, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली थी तो वो क्या करे, मुंबई चले गए, बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में उन्होंने जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उन्होंने, जो उनको बहुत अच्छी अच्छी, बहुत इंटेलिजेंट थे ना, तो उनको क्या थी, डिग्रीज भी बहुत अच्छे मिले और उनको स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप से उनका एडमिशन कहाँ हुआ, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिली,
तो वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे जाने के बाद में उनका जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, वहां से उनकी जब एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद में उन्होंने छुआछूत से रिलेटेड, जब गांधी जी के आश्रम में गए, गांधी जी के आश्रम में छुआछूत को बिल्कुल नहीं माना जाता था, जब वह गांधी जी से मिले तो बहुत इंस्पायर हुए इसके प्रति, और उन्होंने अपना इंस्पिरेशन मानते हुए गांधी जी से बहुत सारी शिक्षाएं ली, और उनके साथ में जब अभियान चलाया ना उन्होंने स्वच्छता का, तब वो लोग उनके साथ में निकले, और अनटचेबिलिटी के कारण, छुआछूत को आगे बढ़ाने के कारण वो उसके साथ में चलते गए। तब उन्होंने एक आंदोलन छुआछूत के प्रति चलाया, जब से बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है छुआछूत का उन्होंने बिल्कुल खात्मा कर दिया था, बिल्कुल उसको खत्म कर दिया था। तो ये बी.आर. अम्बेडकर के बारे में था। बी.आर. अम्बेडकर की जो भी लाइफ स्टाइल थी वो बहुत सिंपल थी, बहुत ही समाज के प्रति जागरूक थे वो, और उनका काफी हद तक उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन जो हायर एजुकेशन थी उन्होंने बॉम्बे से ली थी। ये सारे पॉइंट्स इनके अम्बेडकर जी के हो गए। अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है मदन मोहन मालवीय जी। थर्ड पॉइंट मदन मोहन मालवीय, ये पर्सन मदन मोहन मालवीय, मैंने 3-4 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए। फिफ्थ टॉपिक है हमारा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इज अ वेरी गुड पर्सन एंड द एजुकेशन इज अ वेरी हायर, उनकी एजुकेशन बहुत हायर थी, और उनकी जो एजुकेशन थी उससे उन्होंने बहुत प्लान किए थे, और उन्होंने क्या किया था, उनको एक यूनिवर्सिटी खोली थी। मिस एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट जो ऑथर है उन्होंने बताया था कि उनको एक यूनिवर्सिटी खोलनी थी। अब यूनिवर्सिटी खोलने के लिए उनको काफी पैसों की आवश्यकता थी, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए उनको काफी मनी चाहिए थी, काफी बड़े अमाउंट के अंदर उनको पैसे चाहिए होते थे। तो यूनिवर्सिटी उन्होंने कहाँ खोलनी चाहिए, वाराणसी में उन्होंने, जो कि बनारस के नाम से फेमस है, वाराणसी में उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान किया, जिसका वनस्थली नाम रखना चाहा। अब उनको एजुकेशन से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने इस तरह की जगह को लिया। अब जो वाराणसी में उन्होंने जब यूनिवर्सिटी का प्लान किया तो उनको एक अमाउंट चाहिए था बहुत बड़ी रकम में, और सबसे जो पहली दिक्कत आई हुआ ही जमीन की, कि जब जमीन होगी तभी तो यूनिवर्सिटी बनेगी। तो उनको एक वहां के नवाब जो राजा थे बनारस के, उन्होंने एक जमीन अलॉट करी, जिस पर उन्होंने क्या किया, अब बिल्डिंग बनाने के लिए जब उनको पैसों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने वो कहां गए, वो गए हैदराबाद। हैदराबाद का जो नवाब था, हैदराबाद के जो नवाब थे उनके यहाँ पर जाकर उन्होंने उनसे वार्तालाप करी, उनसे बातचीत करी, और वो भी जो हैदराबाद के नवाब थे वो खुद चाहते थे कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी, ऐसी एक एजुकेशन की संस्था खुले जिसमें बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े, अपने देश में ही उनको काफी अच्छी शिक्षा मिल जाए। तो उन्होंने हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने उनको सबसे बड़ा अमाउंट दिया, 65 लाख का, 65 लाख का उन्होंने एक अमाउंट दिया, पैसे दिए गए उनको, जिससे उन्होंने क्या किया, आगे जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली वाराणसी के अंदर। वाराणसी में यूनिवर्सिटी खोल के उन्होंने उसके शिक्षा का प्रदान, शिक्षा देनी शुरू कर दी। उनका साथ मिस एनी बेसेंट ने दिया, जो कि एक ऑथर थी और बहुत ही एनलाइटेंड थी, बहुत ही अच्छी महिला थी। उनके आगे उन्होंने अपने साथ में एक गुरु भी बनाए, जिनका नाम क्या रखा गया था, रामकृष्ण परमहंस से मिले, और रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद में उन्होंने उस एजुकेशन संस्था को आगे बढ़ाया। अब मैंने आपको आज के 3 टॉपिक क्लियर किए हैं, कौन कौन से, फर्स्ट था अपना जीजाबाई, फर्स्ट टॉपिक था जीजाबाई, जिसमें मैंने उनके शिवाजी से जो रिलेशन थे, यानी उनके पुत्र के साथ में जो माता जी का रिलेशन था वो भी अपनी प्राइड ही हुई, बहुत ही पैट्रियोटिक थी, वीरता को मानने वाली थी, और अपना पुत्र भी उन्होंने वीर ही बनाया था, उनको वीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड पॉइंट लिया मैंने बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर, आप इनके बारे में इनको क्या बताया गया है? भीमराव अंबेडकर को अनटचेबिलिटी के लिए माना गया, अनटचेबिलिटी छुआछूत का निर्णायक माना गया, छुआछूत उन्होंने हमारे देश से पूरी तरह से हटा दिया था, आदिवासियों को आगे लेकर आए थे। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया मिस्टर मदन मोहन मालवीय जी के लिए। मालवीय जी ने क्या किया, बनारस यूनिवर्सिटी यानी वाराणसी यूनिवर्सिटी जो कि वेदस्थली के नाम से जानी जाती है, उस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, है ना। ये सारे मैंने आपको पॉइंट बताए, इससे रिलेटेड मैंने आपको जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड करूंगी। थैंक यू क्लास।